नमस्कार मित्रों, मैं नरेंद्र सेट्टी अभिषेक। मित्रों, आज की चर्चा का विषय है नेशनल सेफ्टी वीक 2022 यानी राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह 2022। मित्रों, इस बार के राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह का थीम है नर्चर यंग माइंड डेवलप सेफ्टी कल्चर, यानी सुरक्षा संस्कृति के विकास हेतु युवाओं को प्रोत्साहित करें। मित्रों, सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि नेशनल सेफ्टी वीक की हिस्ट्री क्या है। 4 मार्च 1965 में भारत सरकार के श्रम मंत्रालय द्वारा एक स्वायत्त शासी संस्थान की स्थापना की गई, जिसका नाम है नेशनल सेफ्टी काउंसिल। अब हम देखते हैं कि नेशनल सेफ्टी काउंसिल की स्थापना का उद्देश्य क्या है। मित्रों, इसमें सबसे पहला उद्देश्य है कार्यजनित दुर्घटनाएं हैं उनकी रोकथाम करना, दूसरा है कार्यजनित बीमारियों की रोकथाम करना, कार्यजनित पॉल्यूशन की रोकथाम करना, और स्वैच्छिक आंदोलन को उत्पन्न करना और उस आंदोलन को विकसित करना और बनाए रखना, जो कि ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट को समर्पित है। हम देखते हैं कि इन सभी के लिए नेशनल सेफ्टी काउंसिल की क्या क्या गतिविधियां हैं। सबसे पहले नेशनल सेफ्टी काउंसिल सेफ्टी ऑडिट करवाते हैं, रिस्क असेसमेंट करवाया जाता है इनके द्वारा, हिजाब स्टडी करवाई जाती है, आपात प्रबंधन योजना बनवाते हैं और सेफ्टी रेटिंग सिस्टम इनके द्वारा संचालित किया जाता है। अगला है कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रदान करते हैं। नेशनल सेफ्टी काउंसिल के द्वारा विभिन्न सेफ्टी रिलेटेड फिल्मों का और कैलेंडर्स का प्रकाशन किया जाता है, डायरियों का प्रकाशन किया जाता है, जिसमें कि पर्सनल हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट के बारे में बहुमूल्य जानकारी भी होती है। नेशनल सेफ्टी काउंसिल के द्वारा अवार्ड वितरण भी किया जाता है, जो इंडस्ट्रीज को सेफ्टी के लिए काम करने वालों को अवार्ड दिए जाते हैं। बहुत प्रकार के ऑनलाइन और ऑफलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स का आयोजन भी नेशनल सेफ्टी काउंसिल के द्वारा किया जाता है। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले ये शुरुआत कब हुआ था। मित्रों, सबसे पहले नेशनल सेफ्टी वीक 1971 में मनाया गया था, उसके हिसाब से अभी ये 52वां नेशनल सेफ्टी वीक मनाया जाएगा। इस सेफ्टी वीक में क्या क्या एक्टिविटीज विभिन्न संयंत्रों में किया जाता है। सबसे पहले तो 4 मार्च को उद्घाटन होता है, फिर विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन इस दौरान किया जाता है, नारा प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता, कविता प्रतियोगिता, कहीं कहीं पर मॉक ड्रिल का आयोजन भी किया जाता है, सुरक्षा प्रतिज्ञा दिलवाई जाती है, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स का आयोजन किया जाता है, असेंबली का आयोजन किया जाता है और अंत में यानी 10 मार्च को पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया जाता है, जो कि साथ ही समापन समारोह भी होता है। कहीं कहीं इस दिन क्विज का आयोजन भी किया जाता है। मित्रों, जैसा कि पहले चर्चा हो चुकी है कि इस बार का जो थीम है वो है नर्चर यंग माइंड डेवलप सेफ्टी कल्चर, यानी हमको इस बार यंग माइंड्स को नर्चर करना है और सेफ्टी कल्चर डेवलप करना है यंगस्टर्स के अंदर, यानी सुरक्षा संस्कृति के विकास के लिए हमको युवाओं को प्रोत्साहित करना है। मित्रों, हम देखते हैं कि थोड़ा इसके डिटेल में जाते हैं कि ये क्या है, कैसे होगा, तो उसके लिए हम पहले संस्कृति को देखते हैं। मनुष्य जो है अपनी बुद्धि का प्रयोग करके अनेक क्षेत्रों में बहुत कुछ सृजन करते जाता है, जिससे कि वो अपने सामूहिक जीवन को हितकर बनाता है, सुखी बनाता है और अनेक राजनीतिक, तकनीकी, सामाजिक इत्यादि प्रथाओं को विकसित करता है, और यही सब जो विकास होती है उन्हीं का समावेश हम संस्कृति में पाते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि संस्कृति की प्रक्रिया आदर्श को वास्तविक और वास्तविक को आदर्श बनाने की प्रक्रिया है। संस्कृति यानी समूह का आदर्श, संस्कृति जो कि सीखा हुआ व्यवहार होता है, ये हमें दूसरों से सीखना पड़ता है, ये ट्रांसफर होता है सीनियर्स के द्वारा जूनियर्स में, इस प्रकार की संस्कृति होती है और ये संस्कृति मनुष्य द्वारा ही निर्मित होती है और ये संस्कृति मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। हमें अपने सभी कार्यों में उस सुरक्षा संस्कृति को अपनाना चाहिए जो हमारे पूर्वज लोग या हमारे जो सीनियर्स लोग जो सेफ्टी के लिए मार्ग प्रदर्शित करके गए हैं, जो सबको सिखा करके गए हैं, उन सबका प्रयोग करते हुए हमको भी अपने आप को सुरक्षित बनाना है, अपने संयंत्र को सुरक्षित बनाना है, सतत उत्पादन को जारी रखना है। अब हम देखते हैं कि अगर हम युवाओं में करना चाहते हैं तो ये युवा हमको मिलेंगे कहाँ। ये युवा हमको नई भर्तियों के माध्यम से मिलते हैं, जो नए नए लोग ज्वाइन किए हैं वे लोग युवा हैं, या और हम ये भी कह सकते हैं कि स्कूलों में, कॉलेजों में, चाहे वो इंजीनियरिंग कॉलेज हो, पॉलिटेक्निक कॉलेज हो या ITIs हो, इन सब में भी युवा लोग होते हैं जो कहीं ना कहीं आगे जा करके इंडस्ट्रीज में आते हैं। अगर उनको शुरू से ही इस प्रकार का सेफ्टी कल्चर उनके अंदर डाल दिया जाए तो इंडस्ट्रीज को सेफ बनाने में उनका बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। अब हम इसको किस प्रकार से करेंगे। सबसे पहले तो हमको इस सेफ्टी वीक के विभिन्न कार्यक्रमों को, जैसे कि चित्रकला, निबंध, नारा,
कविता इत्यादि प्रतियोगिताओं को युवाओं तक लेकर के जाना होगा, यानी युवाओं के लिए इन सभी का आयोजन करना होगा। और विद्यार्थियों के लिए हम ऑनलाइन या ऑफलाइन संरक्षण जागरूकता का कार्यक्रम भी चला सकते हैं, ताकि उनके मन में शुरू से ही सेफ्टी के प्रति एक सोच विकसित हो सके, पॉजिटिव सोच विकसित हो सके, जिसका इस्तेमाल वो अपने विद्यार्थी जीवन में भी कर सकते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि बहुत से युवा तेज गाड़ी चलाने के कारण मारे जाते हैं, या अनेक प्रकार के जोखिमपूर्ण कार्य करने के कारण और बिना बात के खतरे उठाने के कार्य करने के कारण मारे जाते हैं। उन सबको अगर ये सेफ्टी जागरूकता के माध्यम से उनके दिमाग में सेफ्टी कल्चर बो दिया जाए तो अनेक जानों को हम बचा सकते हैं, और अपने सारे इंडस्ट्रीज में भविष्य में हम इस प्रकार के सुरक्षा जागरूक युवाओं के माध्यम से बहुत ही अच्छा वातावरण निर्मित कर सकते हैं। तो मित्रों, इस बार सेफ्टी वीक के इस थीम को हम सबको विशेष ध्यान रखना है और कोशिश करना है कि हम अधिक से अधिक युवाओं तक इन सभी बताए गए मार्गों से अवश्य पहुंचे। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। यह बताई गई जानकारी आपको कैसी लगी? अगर ये आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपने मित्रों को भी शेयर करें, और अगर आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। और अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दें, ताकि आगामी वीडियो अपलोड होते ही आप तक जानकारी तुरंत पहुंच जाए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।